एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। पनीर की एक और नई रेसिपी के साथ, पनीर लबाबदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। मैंने लिए हैं दो प्याज, इनको मैंने छील लिया है और धो लिया है, और इसको बस रफली हमें बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। ये देखिए इस तरह से, आपको ज्यादा छोटे पीसेस इसको कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े बड़े पीसेस में दो प्याज को कट कर लूंगी। इससे सब्जी का टेस्ट काफी अच्छा होता है। इस तरह से ये देखिए दोनों प्याज मैंने कट कर लिए हैं। ये है मैंने ये तीन पीस टमाटर, इसको भी हमें रफली बड़े बड़े पीसेस में ही कट करना है। ये देखिए इस तरह से बस चार चार पीस कर दीजिए, काफी है, क्योंकि टमाटर से ग्रेवी अच्छी बनेगी और काफी क्वांटिटी में बनेगी। पनीर लबाबदार है तो ग्रेवी काफी सारी चाहिए इसमें। इस तरह से मैं चार टमाटर को, तीन टमाटर लिए मैंने बड़े साइज के, अगर आपके पास छोटे हैं तो फिर आप चार टमाटर भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे टमाटर मैंने ऑलरेडी कट कर लिए हैं सारे। ये मैंने पांच पीस कलियां लहसुन की ली है, जिसको मैंने छील लिया है। इसको भी बस रफली आपको दो दो पीस में ही बीच में से इस तरह से कट कर दीजिए, ज्यादा छोटे पीसेस कट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने बीच में, अगर आप गार्लिक नहीं पसंद करते इसको अवॉइड कर दीजिए, बिना गार्लिक के भी आप बना सकते हैं। एक हरी मिर्च ली है, इसको बीच में से ऐसे रफली हम तोड़ देंगे। और ये है एक इंच अदरक, जिसको मैंने छील लिया है, इसको भी हम इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज हमारी कट चुकी है। मैंने रख दी गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसको चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम मलाई क्रीम उनका यूज करेंगे, इसलिए मैं रिफाइंड का ही यूज कर रही हूँ। इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच जीरा, एक ड्राई लाल मिर्ची, एक छोटे पीस तेज पत्ता, दो छोटी इलायची, सात से आठ दाने काली मिर्च के। अब इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, अदरक और हरी मिर्च, और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को ज्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का बस पिंकिश कलर आने तक पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। अगर कलर चेंज हो जाएगा तो हमारे पनीर लबाबदार की ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा ही इसको चलाना है सिर्फ दो से चार मिनट के लिए। ये प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, बस इतना ही कुक करना है हमें। अब इसमें डाल दूंगी जो हमने टमाटर कट किए हुए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए सारे टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसमें पड़ेंगे थोड़े से मसाले। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें डालूंगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टेबल स्पून नमक, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डलेगी, जिससे सब्जी का कलर और बेस्ट हो जाएगा। बस अब और कोई भी मसाला इसमें नहीं डलेगा, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, और इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल ना जाए। इसमें डालेंगे पांच पीस काजू, आप उसी वक्त डाल सकते हैं, मैं तो भूल गई थी इसलिए अब डाल रही हूँ, साथ में डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से कुक होने देंगे, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। आइए ग्रेवी को देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया टमाटर और प्याज। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और इसको मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। आइए पनीर को कट कर लेते हैं। पनीर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी तरह से भी कट कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा अलग तरह से कट करूंगी इसको। इस तरह से देखिए बीच में से दो पीस करेंगे और इसे ट्रायंगल वाला शेप दे देंगे इस तरह से। जो मैंने पनीर कट किया था इसको डाल देंगे हम एक बाउल में इस तरह से, और इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़े थोड़े मसाले और भी इसको टेस्टी बनाने के लिए। इस पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच इस तरह से, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक,
और इन सभी चीजों को ढक के साइड में रख देंगे मिक्स करके इस तरह से। आइए जब तक ग्रेवी को देखते हैं। ये ग्रेवी हमारे पीस के तैयार है, आइए अब इसको हम छानेंगे। इसको हम छानेंगे, छानना कंपलसरी होता है क्योंकि जो भी अगर कोई बड़ा पार्ट रह गया होगा तो इसमें निकल जाएगा और जो पनीर लबादार है उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम फर्स्ट क्लास। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल छन के तैयार है, आइए चलते गैस की तरफ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल एक छोटा टेबल स्पून के बराबर और हम पनीर को सोते करेंगे इस तरह से। पूरी तरह से इसको चिकना कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे पनीर के पीसेस, इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पनीर लगाकर को बनाना था, मैंने बोला था तुम्हें तुम्हारे बीच में था पनीर लगाकर आना, बनाएंगे। हमारे पनीर देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हम रख देंगे साइड में और ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। इधर रख दी हमने गैस पे फिर से कढ़ाई, एक चम्मच डाल दिए रिफाइंड ऑयल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डालूंगी एक प्याज बारीक कटा हुआ, इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है, कलर चेंज करना है, पिंक का कलर बनेगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, हाफ चम्मच से भी कम नमक, नमक आपके स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, हाफ चम्मच से कम, चौथाई चम्मच, और थोड़ी सी चौथाई चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च जिससे सब्जी का कलर अच्छा होगा। थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी चौथाई चम्मच, हाफ चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, और इन्हीं सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। जब तक हमारे मसाले भूने, अच्छे से भून के एक अच्छे से खुशबू आए उसमें से। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, तो मसाले भी हमारे इसमें भून चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी जो हमने तैयार की है, मिक्स करेंगे सभी चीजों को और ढक के 2 से 5 मिनट तक कुक करेंगे जब तक हमारा मसाला ऑयल न छोड़ दे। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है मैंने ये लिया हाफ चम्मच कसूरी मेथी, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा होगा क्योंकि क्रश करने में भी बहुत आसानी होगी, बस हल्का सा ही करना है ताकि क्रश आसानी से हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है, बस गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। थोड़ा सा पनीर बचा के रखा था सब्जी की ग्रेवी में डालने के लिए, इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूंगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब आप पनीर बनाएंगे तो उसी में से रख लीजिएगा थोड़ा सा पनीर और इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिएगा, इससे पनीर लबाबदार और भी टेस्टी बनेगा आपका। आइए ग्रेवी को देखते हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल थिक हो चुकी है, अब बाकी का सामान हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच फ्रेश मलाई, ये देखिए अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। ये इसको सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर हो गया इसका, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अब इसमें फ्राई करे हुए पनीर डाल दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखे थे, सभी को मिक्स करेंगे। अब जो पनीर मैंने ग्रेट किया था वो भी मैं इसमें मिला दूंगी, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ये देखिए जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट की थी, इसको हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए। फिर से 2 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे। आइए देखिए सब्जी को देखते हैं। ये देखिए हमारी फर्स्ट क्लास पनीर लबाबदार बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको फाइनली जो रह गया है हमारा वो करेंगे, इस पे लगाएंगे तड़का जिससे ये और भी टेम्पटिंग लगने वाली है। उधर रख दिए मैंने गैस पे एक चम्मच, इसमें डाल देंगे हम ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का यूज करेंगे करीबन एक चम्मच, ये देखिए इस तरह से। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं
अब इसमें डाल दूंगी मैं एक कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर लगाएंगे सब्जी के ऊपर तड़का। ये देखिए तड़का तैयार है, अब इसको लगा देंगे हम पनीर लबाबदार के ऊपर। ये देखिए हमारे पनीर लबाबदार की सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसको आप रोटी, नान, पराठा, लच्छा पराठा किसी के साथ भी खाइए, बड़ी ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी बनाई पनीर लबाबदार पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।